नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को समय की असली कीमत क्या होती है एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और समय निकल जाने के बाद हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ चीज़ नहीं रह जाता है। तो एक गाँव था, एक गाँव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, उसके बीवी बच्चे सब आराम से इधर उधर कुछ करके अपना कैसे भी गुजर बसर करते थे। तो एक दिन उस गांव में घूमते घूमते एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसकी दुर्दशा को देखा, बहुत गरीब है, तो उन्होंने उसको बुलाया पास और बोला कि मेरे पास एक ऐसा पारसमणि पत्थर है जिसको मैं तुमको दूंगा, अगर तुम उससे जिस भी वस्तु में छुआओ, खास करके लोहे की वस्तु में, वो चीज़ सोना बन जाएगी। उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, उसने साधु बाबा ने उस आदमी से बोला कि जाओ लेके आओ एक कील, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो गया अपने घर में, लोहे की कील ले आया। उसके बाद उन्होंने जैसे उस पारसमणि पत्थर को उसमें छुआया, वो सोना बन गया। फिर उस आदमी को विश्वास हो गया, बाबा ने उस पारसमणि पत्थर को उस गरीब आदमी को दे दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पारसमणि पत्थर सिर्फ तुम्हारे पास एक सालों के लिए रहेगा, सिर्फ एक साल के लिए। एक साल के बाद मैं आऊँगा और इसे लेके चला जाऊँगा। तब तक तुम जितना चाहो, हमारे पास समय है, तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। फिर साधु बाबा उस आदमी को पत्थर देते हैं और चले जाते हैं। अब वो आदमी लेके जाता पत्थर, लोहे की वस्तु में छुआता और सोना बन जाती, उसे बेचकर वो पैसा कमाता। ऐसे ऐसे करते करते वो आदमी बहुत अमीर हो गया, तब भी ठीक ठाक अमीर हो गया। उसके बाद वो क्या करने लगा कि भी तो मेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं, अब मैं आज नहीं कल बनाऊँगा। जब भी उसको बनाना रहता, जितना काम रहता उतना बनाता, उसके बाद वैसे बनाता नहीं, उसका ज़्यादा यूज नहीं करता था उस पारसमणि पत्थर का। तो उसके बाद ऐसे ऐसे वो कल 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 टालते टालते एक समय ऐसा आया कि एक साल बीत गया और उसने ज़्यादा सोना बना नहीं पाया था। उसके बाद साधु बाबा ठीक एक साल बाद आते हैं और बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं। आदमी निकलता है, देखता है, सोचता है, सोच में पड़ जाता है कि बाबा तो आ गए। बाबा ने उससे बोला, बेटा मैंने जो तुम्हें पारसमणि पत्थर दिया था उसका एक साल पूरा हो गया है, और तुम वो पारसमणि पत्थर मुझे दे दो। अब आदमी शौक हो जाता है कि भी तो मैंने बहुत चीज़ बनाया ही नहीं, मैं दे दूंगा मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। वो लगता है साधु बाबा के सामने गिर गया, बाबा मुझे बस थोड़ी दिन के लिए और मोहलत दे दीजिए, मैं बना लूंगा फिर मैं आपको दे दूंगा। साधु बाबा ने कहा, बेटा मैंने तुमको पहले ही बताया था कि सिर्फ एक साल, एक साल मैंने तुम्हें समय दिया। एक साल तुम क्या कर रहे थे? एक साल में तुम चाहते तो बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बनाया। ये समय अब नहीं है तुम्हारे पास, अरे मुझे चाहिए अब। साधु बाबा वो पत्थर लेके जब चले जाते हैं तो आदमी बहुत मायूस होता है और अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने इतना, मुझे समय मिला था, मैंने उस पारसमणि पत्थर का उपयोग नहीं किया, मैं बना नहीं पाया, मैं फिर से गरीब हो जाऊँगा। ये कहते कहते आदमी बहुत शोक में रहता है और अंततः वो आदमी गरीब हो भी जाता है, क्योंकि उसने उस पारसमणि पत्थर का उपयोग सही ढंग से नहीं किया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में उस पारसमणि पत्थर के समान जो है वो है समय। समय का आप सदुपयोग कीजिए, क्योंकि अगर समय रहते वो आदमी सही से उस पारसमणि पत्थर का यूज कर लिया होता तो काफ़ी अमीर हो गया होता। उसने समय को कल कल टालते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए उसने समय गंवा दिया। उसके बाद एक समय आया कि उसके पास वो पारसमणि पत्थर चला गया। ठीक उसी तरीके से वक्त भी है, वक्त भी एक सीमित समय के लिए सब लोगों को मिलता है। अगर आप उस वक्त में अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वक्त निकल जाएगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं निकलता इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिली कि हमें अपने किसी भी काम को वक्त रहते कर लेना चाहिए, हमें कल 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 टालते नहीं रहना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।